नमस्कार नमस्कार भैया आरो, कैसे हैं आप लोग? आज चुनाव में नामांकन को आखिरी दिन आ तो मध्य प्रदेश में हो। मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति बहुत उफान पे है और बुंदेलखंड में भी बहुत उफान पे है चुनाव की राजनीति। और यही गिलाने आज फिर एक बार हम आपसे जुड़े हैं चुनाव की पूरी राजनीति की अंदर की खबरें आपको ले आगे, खासतौर से बुंदेलखंड की, जिसे बगावत को झंडा बहुत जबरदस्त तरीके से बुलंद होगा। पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा बगावत की खबरें हैं। ये बगावत कौन से नेता कर रहे हैं, काय कर रहे हैं, कि अंदर की कहानी है। चूंकि आज नामांकन को आखिरी दिन है तो इस वजह से जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता आपको बतावो पूरी की पूरी अंदर की कहानी, के कौन सी सीटों पर बगावत हो रही, कितने बगावत रोकने में कामयाब हो पाई पार्टियां, और ये पूरी भीतर की खबरें आपके लाने ले आए। और जिले वार हम पूरी की पूरी आप लोगों को जानकारी दें, टीकमगढ़ जिला की, छतरपुर जिला की, पूरे बुंदेलखंड की जिलेवार जानकारी। बहुत सारे फार्म भरे गए हर जिला में, और ज्यादातर लोगों ने फार्म, क्यों लोगों ने इसे भी भरे के शायद को मना भी आ जाए तो मान जाए, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे। लेकिन सबसे पहले आज की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे कि सत्यव्रत चतुर्वेदी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, उनके लड़का ने बगावत करी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ रहे छतरपुर जिला की राजनगर खजराऊ सीट पे। लेकिन इसके बाद भी सत्यव्रत चतुर्वेदी को नाम आज आओ तो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकन की सूची में, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक सूची जारी करी गई थी दोपहर में, जिसमें सत्यव्रत चतुर्वेदी को नाम स्टार प्रचारकन की सूची में हतो। और जब ई नाम पे विवाद भव विवाद इसे के खुद भी अपने लड़का को समाजवादी पार्टी के टिकट पे खुलेआम चुनाव लड़वा रहे, तो आखिर वे कैसे स्टार प्रचारक बन सकत। तो उनके लाने विरोध भाव, विरोध के बाद बड़ी खबर यह है कि जो दिल्ली से एक नई सूची जारी हुई, उस सूची में सत्यव्रत चतुर्वेदी अब स्टार प्रचारक नहीं है। 24वें नंबर पे नाम है तो सत्यव्रत चतुर्वेदी को, और अब वो नाम काटता होगा 24वें नंबर पे, सचिन पायलट को नाम अलग से जोड़ेगा। तो सत्यव्रत चतुर्वेदी अब स्टार प्रचारक नहीं है, ये एक बड़ी खबर है आज के जो घटनाक्रम है ऊ की। अब बात बगावत की करें, बात पूरे चुनाव के माहौल की करें। सबसे पहले आपको जानकारी दें कि बुंदेलखंड में किन सीटों पर, पूरे जिलों में कितने प्रत्याशियों ने नामांकन करे। छतरपुर जिला में 6 सीटों पे 91 लोगों ने नामांकन करे आज, 91 लोगों ने। दतिया जिला में 37, टीकमगढ़ जिला में 59 लोगों ने नामांकन करे। इसके बाद पन्ना में 23 और दमोह में 37, और सागर जिला जी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 8 विधानसभा की सीटें हैं, उतने 102 लोगों ने नामांकन करे पूरी 8 सीटों पे। तो ये पूरी तस्वीर है टोटल मध्य प्रदेश की। 230 सीटों पे लगभग 2800 लोगों ने नामांकन करे। तो सब लोग जोर शोर से चुनाव के माहौल में जुड़वो चाह रहे, और चुनाव के माहौल में सब लोग इतनी तेजी से जुड़वो चाह रहे कि हर को बस चुनाव लड़ने की कोशिश में है। लेकिन पूरे जो घटनाक्रम हो रहा है के बीच में कुछ नए घटनाक्रम ये हैं कि पन्ना में जिज्जी शांत हो गई, तनक पन्ना में थोड़ी सी जिज्जी शांत हो गई, जो वे गुस्सा कर रही थी अपने आप में, लेकिन पार्टी ने उन्हें समझा लो, जो भी बात बही हो पार्टी संगठन की। पन्ना में कुसुम महदेले जिनको टिकट काटता होगा पन्ना की लोकल सीट से, पूरे जिला में उनको टिकट नहीं दी गई, 75 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई, इसे उनकी टिकट काट दी। लेकिन इसके बाद भी पन्ना सीट पे कुसुम महदेले चुनाव नहीं लड़ रही, कौन प्रकार को, ना निर्दलीय ना कौन और दल में। तो कुल मिला के पन्ना में कुसुम महदेले जो जिज्जी जिनको कही जाए बुंदेलखंड में बड़ी नेता है इलाके की, उनको मनावे में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कामयाब दिखा रही। तो पन्ना में बगावत नहीं है पन्ना लोकल में। दूसरे बड़े नेता के तौर पर रामकृष्ण कुसमरिया, इनका आज बड़ा अजीबो गरीब घटनाक्रम हो। रामकृष्ण कुसमरिया बुंदेलखंड के कद्दावर नेता है, मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, उनको जब टिकट नहीं मिली दमोह जिले की पथरिया सीट से तो वे बागी हो गए। और बागी ऐसे नहीं भाई, बागी केवल वो पथरिया सीट पे नहीं भाई, वे दमोह सीट पे भी बागी हो गए। कहानी यह है कि पथरिया सीट से वो टिकट की कोशिश में थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। इसके बाद आज रामकृष्ण कुसमरिया ने दमोह सीट और पथरिया सीट, 2 सीटें तो एक संग निर्दलीय के तौर पर नामांकन करी। और इसके पीछे एक रणनीति है, रणनीति हम आपको एक्सक्लूसिव रणनीति जब बता रहे रामकृष्ण कुसमरिया की, वे दावेदार तो थे पथरिया सीट पे, लेकिन उनके मन में जब खटास है कि इलाके के बड़े नेता जयंत मलैया हमेशा उनके राह में बाधा बनत, और यही वजह से अब वे पहली बार खुद जयंत मलैया के रास्ता में बाधा बनवे के लिए उतर गए।
आज जयंत मलैया ने मना भी की, उनको बहुत कोशिश करी, सुधा मलैया जो जयंत मलैया की पत्नी है, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उनने बहुत कोशिश करी कि नामांकन नहीं करें। इसके बाद भी सुधा मलैया देखत रही उनकी आंखों के सामने दमोह से बाबाजी रामकृष्ण कुसुमरिया को बाबाजी कही, उनने नामांकन कर दो दमोह सीट पे। बहुत मनावे की सुबह से लगातार कोशिश बाबा जी को भाई, लेकिन बाबा जी नहीं माने और रामकृष्ण कुसुमरिया ने नामांकन कर दो है दमोह सीट पे, साथ में पथरिया की सीट पे। इलाके के बड़े नेता हैं, खुद बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जय स्थिति साफ है कि वे खुद चुनाव जीते या हारे वो अलग विषय है, अगर वे नहीं माने तो दमोह, पथरिया और जबेरा और हटा चार सीटें दमोह जिला की और आसपास की कम से कम 7-8 सीटों पे रामकृष्ण कुसुमरिया भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देने में सक्षम है। खबर ये है कि बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के भी, प्रदेश स्तर से ऊपर की बात हो गई, राष्ट्रीय स्तर के नेता, संगठन मंत्री रामलाल जी और भी कुछ कछु नेता खुद रामकृष्ण कुसुमरिया से बात कर सकत। जयंत मलैया सक्रिय हो गए, सुधा मलैया सक्रिय हो गई, किसी तरह 12 तारीख जो नामांकन की वापसी की डेट है उसके पहले रामकृष्ण कुसुमरिया को मनाओ जाए, उनको किसी तरह से मान मनोगुल करी जाए और उनके जो दो ही जगह के नामांकन है वे वापस ले ले जाए, ये की खबरें हैं। तो साफ तौर पर जयंत मलैया से जो चुनावी अदावत चला, जो राजनीति की अदावत चला, उसके बाद जो घटनाक्रम भाव के जयंत मलैया ने फार्म भरे, न केवल पथरिया से जितने से वे टिकट मांग रहे थे बल्कि दमोह से भी, और तमाम जो विरोध के बाद भी, तमाम जो समझाइश के बाद भी जैन जो रामकृष्ण कुसुमरिया है भी नहीं माने और उनने आज अपना फार्म डाल दो। तो ये एक सबसे बड़े कद्दावर नेता के तौर पे एक बड़ी खबर है दमोह जिला से और बुंदेलखंड की राजनीति से। इसके बाद बात करें सागर जिला की। सागर जिला में जैसे पहले ही हमने बताई थी कि केवल सागर लोकल की सीट पे बगावत की स्थिति है और इसके बाद देवरी की सीट पे थोड़ी बहुत, तो देवरी से केवल एक नाम, देवरी नहीं केवल रहली से, माफ करें, रैली से देवरी की सीट पे जो बगावत की उम्मीद थी वो भारतीय जनता पार्टी ने संभाल लो, कांग्रेस ने भी संभाल लो। रैली सीट से ज्योति पटेल, जो दो पटेल के गुट माने जा रहे थे रैली सीट पे गोपाल भार्गव के खिलाफ, एक पटेल के गुट को प्रतिनिधित्व कर जीवन पटेल, दूसरे को कर रही थी ज्योति पटेल। जीवन पटेल ने अपना समर्थन दिया तो कमलेश साहू को, कमलेश साहू को टिकट मिल गई कांग्रेस पार्टी से, लेकिन ज्योति पटेल को टिकट नहीं मिल पाई, इसे वे बागी हो गई और उनने आज अपना नामांकन करे। लेकिन चूंकि उनने एक लाइन साथ में जा भी जोड़ दी कि हम अपने समर्थकों से, परिवार वालों से निर्णय करके निर्णय लें कि आगे का करने, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सके ज्योति पटेल मान जाए। लेकिन सागर में एक बड़ा अनूठा घटनाक्रम हुआ जो हम आपको बताएं। सागर में जब कांग्रेस पार्टी के जो टिकट की नाराजगी भई, उसके बाद बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे थे कि सागर से आखिर को जो बाकी के कांग्रेसी हैं उनमें से कौन नौ व्यक्ति चुनाव लड़ गए थे। तो जब ऐसी घटनाक्रम बहुत, तो 4-5-6-8 बड़े नाम उनमें आए और उसके बाद जब कोई भी निर्णय नहीं हुआ तो एक अनूठी पहल भाई, अनूठी पहल ये भाई कि लॉटरी सिस्टम से एक पर्ची डाली गई, पर्ची डाल के जितने भी बागी थे कांग्रेस पार्टी के उनने अपने अपने नाम की पर्ची एक डब्बा में डाली और उस पर्ची में से जी को नाम निकले जो तो तय बहुतों के वो चुनाव लड़े। और यही अनूठे घटनाक्रम में अंकलेश्वर दुबे को नाम निकले और सारे लोगों ने सहमति से अंकलेश्वर दुबे को अपनो प्रत्याशी मान लो, तो जितने भी बागी थे उन सबके बागियों के सरदार बनके अंकलेश्वर दुबे अब चुनाव लड़े सागर से। और भारतीय जनता पार्टी से बागी वाली लिस्ट में साफ तौर पर मुकेश जैन ढाना को नाम है। मुकेश जैन ढाना जो जैन समाज के बढ़िया व्यक्ति माने जात, वे लंबे समय से टिकट मांग रहे थे, उमा भारती के बहुत करीबी माने जात, जैन समाज में उनकी ठीक ठाक पकड़ मानी जात, चूंकि विद्यासागर जी के जो जितने भी संगठन और बाकी सब काम हो उनमें कहीं ना कहीं उनकी लगातार निरंतरता सामाजिक तौर पर बनी रह, तो उनको एक अच्छा नाम है। लेकिन उमा भारती के बहुत करीबी हैं और वे अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लक्ष्य 2018 की दावेदारी कर रहे थे, जब पूरा नहीं हुआ तो फिर मुकेश जैन ढाना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके। जे सागर को पूरे घटनाक्रम है सागर शहर में, और बहुत सारे ऐसे नाम है जिनको बात हो रही, संतोष प्रजापति, तीसरा नाम है जगदीश यादव महापौर को चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से, हार गए थे, अरुण यादव के बहुत करीबी माने जा, नरक चतुर्दशी के दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नरक बताते कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, आज उनने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करे जगदीश यादव ने। तो कांग्रेस पार्टी वैसे ही बहुत बढ़िया कैंडिडेट की जो लोग कह रहे थे कि कद्दावर कैंडिडेट नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल में आती, कांग्रेस पार्टी से और भी निर्दलीय निकले और ये के बाद
जो है साफ तौर पे जगदीश यादव को जावो कांग्रेस पार्टी के लाने, ये सब बड़े झटका है। और कांग्रेस पार्टी पहले ही बहुत कमजोर स्थिति में सागर में लग रही थी, अब कैसे अपने आप को उबार पे, ये पे तनिक संशय है। और कुल मिला के कांग्रेस पार्टी के लाने सागर शहर में मुसीबतें बढ़ती भाई दिख रही। टीकमगढ़ जिला की बात करें, टीकमगढ़ में बड़ी खबर ये है कि टीकमगढ़ लोकल से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो विरोधी वाले जो बगावत वाले सुर रहते उनको, साफी वाले लोगों को समझा लो। दो बड़े नामों में है, एक तो राजेन तिवारी जो उमा भारती के करीबी माने जाते, बेबी कोनू तरह से चुनाव के मैदान में नहीं है। दूसरा के श्रीवास्तव, के श्रीवास्तव ने बहुत विधायक थे उनको टिकट कटे तो जबरदस्त बगावत के मूल में थे। और के श्रीवास्तव ने तो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उन पर करोड़ों रुपया में टिकट बेचने को आरोप तक लगा दो तो खुलेआम, और साफ कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं की रखेल नहीं बनने इनके, जिस शब्द थे के श्रीवास्तव की। लेकिन के श्रीवास्तव ठंडे आ गए, और ठंडे आई इसे गए कि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम नेता हैं उनने समझाए थे, उनके बाद के श्रीवास्तव की बगावत कम से कम नामांकन के समय साफ नहीं दिख रही। अब चुनाव के समय वो कितने सहयोग करें कितना विरोध करें अलग बात है, लेकिन के श्रीवास्तव ने कोनू पर्चा नहीं भरे। टीकमगढ़ लोकल से खबर यही है, पृथ्वीपुर से भाजपा से बगावत कर दी दो बड़े लोगों ने, एक है अनिल पांडे। अनिल पांडे ने बहुत लंबी तैयारी करी थी चुनाव के लाने, उनको टिकट नहीं मिले तो वे बागी हो गए। के बाद रोते गाते की तमाम तस्वीरें उनकी वायरल हुई थी, और फेसबुक लाइव में उनने चिल्लिया चिल्लिया के भाजपा को समाप्त करने की बात करी थी, तो लेकिन अब समाप्त कर पे नहीं कर पे अलग बात है, लेकिन वे चुनाव के मैदान में उतर गए अनिल पांडे। दूसरा नाम है गणेशी नायक। गणेशी नायक को चुनाव में उतर वो सीधे तौर पे, अगर वे 12 तारीख तक नामांकन अपना वापस नहीं ले तो गणेशी नायक को चुनाव में उतर वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा झटका साबित हुई है पृथ्वीपुर में। इसे के अनीता नायक के जो वर्तमान में विधायक थी, मानो जो जातो के उनकी जो पूरी रणनीति है, पूरे जो काम है शुरुआती तौर पे जब विधायक बनवे से लेकर कुछ महीना तक, ये सब सिस्टम गणेशी नायक के थे। गणेशी नायक कार्यकर्ताओं के बीच में और बाकी की जनता के बीच में अपनी पैठ बनाए थे। अब अगर गणेशी नायक चुनाव लड़ रहे, खुद चुनाव लड़ रहे, तो फिर साफ तौर पर स्थिति यह है कि भाजपा के लाने बड़ो नुकसान। और अगर ये स्थिति बनी तो भारतीय जनता पार्टी अगर जो दोनों प्रत्याशी नहीं तैयार है तो बहुत मुश्किल में पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पे। काय होते कांग्रेस से पहले ही कद्दावर नेता बृजन सिंह राठौर मैदान में है, और दूसरे समाजवादी पार्टी से शिशुपाल यादव भी ठीक ठाक तैयारी से मैदान में हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को नंबर 3 ना हो जाए, जब देखने आए अभय यादव को, कहा कि अभय यादव खुद प्रत्याशी भी है और भारतीय जनता पार्टी के टीकमगढ़ निवाड़ी के जिलाध्यक्ष भी है। तो संगठन कितने कसने, कितने संगठन में की व्यक्ति से समझाने हैं, की से की समझाइश को माने, जो सब अभय यादव को पता है भाई मैं सक्षम भी है, तो क्या समझाइश की स्थिति बने जो 2-3 दिन बाद पता चले को नामांकन वापस ले रहा, को सब की को समझाइश मिल रही। इसके बाद जतारा सीट पे बड़ी खबर। जतारा सीट पे तो कांग्रेस और जो है भाजपा के बीच मामला है ही नहीं है। भाजपा के हरिशंकर कटिंग है, कांग्रेस ने विक्रम चौधरी को उतारे शरद यादव वाले जनता दल से, तो उतने बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है। खरगापुर से बड़ी खबर है कि खरगापुर से दो बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता बागी भाई खरगापुर में, एक सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा जो हर बार दावेदार हो खरगापुर सीट से, लेकिन खरगापुर चूंकि उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बुंदेलखंड की कद्दावर नेता, उनकी प्रिय सीट है, प्रिय इस है कहा कि इतने से उनके भतीजे राहुल लोधी चुनाव लड़, और पिछली बार भी बिहारे इस बार फिर उमा जी की चली और उमा जी ने अपने भतीजे को टिकट दिलवा दी। लेकिन खरगापुर में खरगापुर स्टेट के जो है राजा हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा राज परिवार से, उनने सीधे तौर पे दावेदारी ठोक दी थी, पिछली बार भी ठोकी थी, मान गए थे, तो इस बार भी नहीं मान रहे। इस बार उनका साफ कहना है कि उमा जी बार बार जो है उनके जो कोशिश है जो इतनी भी मेहनत कर रही के बाद भी परिवारवाद के चलते अपने भतीजे को टिकट दे देती। तो बेबी राजा चुनाव के मैदान में उतर गए और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। समाजवादी पार्टी की साइकिल खरगापुर के किले से सीधे जनता के बीच में आ गई, और हाथी पर सवार हो गए अभय यादव। अभय यादव भी उमा भारती के करीबी नेता, सॉरी अजय यादव भी उमा भारती के करीबी नेता हैं, और अजय यादव सवार हो गए हाथी पे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे ताल ठोक रहे। तो तीन तरफ दो तरफ से घिर गए राहुल लोधी, बल्कि तीन तरफ से। कांग्रेस से तो वर्तमान की विधायक है ही चंदारानी गौर, अपनी पार्टी के दो कद्दावर नेता एक अजय यादव और एक बेबी राजा, तो साफ तौर पे और जो दो ही ऐसे नेता बताए जा रहे हैं
क्योंकि इन्होंने दूसरी निर्दलीय पर्चा नहीं भरे, इनने बाकायदा एक ने समाजवादी पार्टी एक ने बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी करी है। तो निश्चित तौर पे अजय यादव और बेबी राजा के बाद इनके नामांकन अगर गलत वापस नहीं हो, जो जी की उम्मीद भी नहीं है, तो राहुल लोधी मुश्किल में है। उमा भारती के भतीजे को चुनाव जीत वही बात फिर से मुश्किल है, और उमा भारती पूरी ताकत लगाए उस सीट पे, लेकिन उनकी ताकत आधी हो गई अजय यादव के जावे से। और दूसरे जो इलाके के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा, उनके खुलेआम चुनाव लड़वे से समाजवादी पार्टी के टिकट पे। तो स्थिति ये है कि खरगापुर की जो सीट है उस पर राहुल लोधी मुश्किल में है। इसके बाद दतिया जिले में सेवड़ा सीट से परिणीता राजे जो है कांग्रेस पार्टी में थी, वे आम आदमी पार्टी में चलेंगे, उतने उनने कांग्रेस पार्टी के लाने मुसीबतें खड़ी कर दी। अब बात छतरपुर जिला की, छतरपुर जिला में लोकल में कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव दो ही पार्टियां लड़ रही। राजनगर से नितिन चतुर्वेदी को नाम है, राजनगर से नितिन चतुर्वेदी चुनाव लड़ रहा है, सत्यव्रत चतुर्वेदी के लड़का है, और जो है वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। उनकी कोशिश है कि कांग्रेस को झटका दें, कांग्रेस को झटका मिलत या नहीं मिलत वो अलग बात है। लेकिन इस सीट से जितेंद्र बुंदेला, ये भी आपको बड़ी जानकारी दें, जितेंद्र सिंह बुंदेला इस सीट से दावेदारी कर रहे थे। जितेंद्र सिंह बुंदेला पूर्व सांसद हैं, बड़े नेता हैं, अब जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा थी उनके वे प्रभारी थे, संभागीय प्रभारी, वे बहुत दावेदारी कर रहे थे। कल लगभग तय होगा तो कोई चुनाव लड़ रहे, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ रहे, उनको समझावे में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। तो राजनगर पे स्थिति। बिजावर में कांग्रेस से खूब बड़ा झटका, बिजावर में कांग्रेस से राजेश शुक्ला जो होते हैं समाजवादी पार्टी में के तौर पे अब वे नामांकन उन्हें आज कर दो। मलहरा में लोग बता रहे हैं अभी पूरे आंकड़े तो आए वाले कि 48 उम्मीदवार हैं। मलहरा में स्थिति ये है कि जो वर्तमान की विधायक अति रेखा यादव उनको टिकट काट दो, छतरपुर से ललिता यादव को मलहरा से लड़ा रहे, तो कुल मिलाकर स्थिति खराब है और कांग्रेस में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मलहरा में ढेरों प्रत्याशी हैं, तिलक सिंह लोधी, रामनाथ यादव, आनंद सिंह, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं जो इलाके में राजनीति के बड़े केंद्र हैं, वे सब मलहरा से दावेदारी कर रहे हैं, अलग अलग को निर्दलीय को दूसरी पार्टियों से। कुल मिलाकर स्थिति मलहरा में लगातार ऐसी है कि कौन सी पार्टी के कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वे जय गिनती आवे में कहा कि 48 प्रत्याशी इनकी सूची बताई जा रही। इसके बाद महाराजपुर में राजेश महतो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वे दावेदारी कर रहे, और महेश महतो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो निर्दलीय दावेदारी कर रहे। तो कुल मिलाकर महाराजपुर में भी यही स्थिति है, और पूरे बुंदेलखंड में अब स्थिति लगभग साफ हो जा रही कि जो बागी प्रत्याशी हैं वे करीब 10-12 सीटों पे मुसीबत खड़ी कर रहे अपनी अपनी पार्टियों को। अब पार्टियां 2-3 दिन केवल मान मनोबल को दौर चले, और इन मान मनोबल के दौर में जो भी पार्टी अपने जो बागी लोग हैं उनको समझावे में जितनी कामयाब हो जाए वही पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की अपने आप को उम्मीद कर सकत। अगले में एक रोचक जानकारी आपको और बताएं, इवेल ऐसा लग रहा हो कई जगह पे के जैसे दिवाली पे फल होता अपने बुंदेलखंड में, तो लोगों ने फल नहीं खेली, फल की जगह नामांकन को फार्म भर दो। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो तय है कि 10,000 रुपया तो वे भर दे नामांकन के, लेकिन जैसे ही कोनू विधायक जी या जो प्रत्याशी हैं उनसे जैसे ही राम राम दुआ सलाम जो अंदर की बात होते, अगर वह हो गई उनकी राम राम दुआ सलाम, तो वे 1-2 दिन में अपना अपना पर्चा वापस ले दिखाएं। आपको जितने सारे जो नाम हैं इन नामों में से कम आधे आपको ऐसे नामांकन जो आमतौर पर हो, जो चर्चा है जन चर्चा कि भैया जी तो ये के लाने हैं कि विधायक जी कम से कम घरे आकर राम राम तो कर ले, जो प्रत्याशी है पार्टी के राम राम तो कर ले, नहीं तो पर्चा नहीं भरे तो को पूछे। तो कुल और पार्टी में भी जो हो जाए कि भैया देखो हम दावेदार रहते हैं, हमने पार्टी की खातिर अपना नामांकन वापस ले लो, तो पार्टी में अपनों कर बढ़ावे के लाने और जो प्रत्याशी हैं उनके सामने अपनों कर बढ़ावे के लाने ज्यादातर लोगों ने नामांकन करे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिनके दिल पे लगी है, दिल पे इनसे लगी कि कहूं बाहरी प्रत्याशी उतार दो, कहूं भाई भतीजावाद चल गो और कहीं सेटिंग चल गई, तो इनके बाद जब जो असली कार्यकर्ता है जो पिछले 5 साल से 10 साल से 20 साल से टिकट मांग रहा हो उनको जब टिकट नहीं मिले तो उनको कष्ट हुई है, और वो कष्ट वैसे तो नहीं जाहिर कर सका तो उन्हें नामांकन कर दो, और केवल यही कहलाने के भैया हम नहीं हमारा तो जो होने तो होगा, लेकिन जी व्यक्ति ने हमारा गड़बड़ करे हम उस व्यक्ति को निपटा कर रहे हैं, और साफ तौर पर जो है चुनाव ही एक ऐसा मौका है जी में उस व्यक्ति को सबक सिखावे को मौका है। तो जिनकी दिल पे लगी है उन वही ऐसी बातें कर रहे, और
एक बहुत पुराना गाना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो अगर लोग बेवफा हो रहे तो कछु ना कछु मजबूरी भरी हुई है, और वह मजबूरी स्थिति जाए कि चुनाव के समय ही निकालने को मौका है। सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हैं कि भैया को की को दांव में चित्त कर पाए, को कैसी राजनीति चले। लेकिन कुल मिला के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में रोचक चुनाव है, मध्य प्रदेश में रोचक चुनाव है, बढ़िया आमने सामने की फाइट है, और यही फाइट में लगातार मजा आपको मिले, और बुंदेली बोचाल लगातार आपको नए नए एंगल से कछु चीजें आप तक रोज पहुंचाने की कोशिश करें। आप लोग लगातार प्यार बरसा रहे, YouTube को चैनल बुंदेली बोछार आप लोग सब सब्सक्राइब करो, और YouTube से लेके Facebook से लेके वेबसाइट तक बुंदेलीबोछार.com सब पे आप लोग बढ़िया खूब मोहब्बत लुटा रहे। ऐसी मोहब्बत लुटा उतरो। राम राम, नमस्कार।